प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को नए साल के लिए टास्क दे सकते हैं और आपको बता दें कि नवंबर में जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसकी रणनीति पर भी चर्चा होगी। असम के गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक होगी जिसमें कई टैक्स घटने की उम्मीद है। 28% टैक्स स्लैब में आने वाली कई चीजों के दाम घट सकते हैं। देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा जीएसटी में कई खामियां हैं, सरकार उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती। उमरिया में एक सम्मेलन के दौरान शिवराज सरकार में मंत्री ओम प्रकाश ध्रुवे ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी मुझे ही जीएसटी का मतलब नहीं पता। इसका परिणाम थोड़ा सा बाद में निकलेगा, अभी कष्ट हो रही है। अभी थोड़ा सा जीएसटी जो है मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं। बीजेपी अध्यक्ष गुजरात के दौरे पर हैं, वो बड़ोदरा पहुंच चुके हैं। अमित शाह पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली में सुबह भी धुंध छाई रही, इस वजह से लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कत हुई है। मास्क पहनकर लोग सड़कों पर निकले हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सख्त हो गया है। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाई है। निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई है और साथ ही हेलीकॉप्टर से बारिश कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। 13 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा फॉर्मूला, 27 नवंबर तक जारी रहेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, आसपास के हालात गंभीर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा हम एनसीआर से संपर्क में हैं, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतें, घर के अंदर रहें। गाजियाबाद में डीएम ऋतु माहेश्वरी ने रविवार तक दिए सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश। 5वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। स्मॉग के चलते ये कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में होटल के मालिक ने ग्राहकों पर खौलता तेल फेंक दिया। खाने में शिकायत करने पर गुस्साए मालिक ने इस घटना को अंजाम दिया है जिसमें 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र में 4 नवंबर को हुए 2 समुदाय के बीच शौचालय के झगड़े में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय विधायक और पूर्व महापौर समेत मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर खूब हंगामा काटा। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान लूट डकैती और पशु तस्कर गिरोह का अंतर जनपदीय सदस्य का मुखिया आतिश गोली लगने से घायल हुआ। घायल को वाराणसी रेफर कर दिया गया। संभल के नखासा थाना इलाके में एक युवक ने बदमाश को बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। हरदोई पुलिस ने भारी वाहनों की फर्जी आरसी के आधार पर फाइनेंस कराकर फर्जीवाड़ा करने वाले रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में तत्कालीन एआरटीओ और वर्तमान में अलीगढ़ के एआरटीओ भगवान प्रसाद को अलीगढ़ से गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। संत कबीरनगर जिले में मोबाइल टावर में काम करने वाले कर्मचारी ने युवती को अगवा कर 2 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के परिजनों की सूचना पर पुलिस उस जगह पर पहुंची और युवती को वहां से छुड़ाया गया। गोरखपुर में घने कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। बुजुर्ग लोगों को खासतौर पर काफी सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां दिवंगत महंत योगी महेंद्रनाथ के 17वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के योजना भवन में नीति आयोग की अहम बैठक हुई। बैठक में चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार समेत तमाम विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी शिरकत की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बैठक के बाद अहम बयान दिया। उन्होंने कहा पिछले 7 महीने में उत्तर प्रदेश चल पड़ा है और नीति आयोग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर वहां की जरूरत के हिसाब से काम कर रहा है। नीति आयोग का जब पिछली नीति आयोग आया था तो एक मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे एक वर्किंग ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना था। कानपुर देहात के मूसानगर में डिप्टी सीएम ने 25वें भक्ति योग वेदांत सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी शिरकत की।
कानपुर के झिंझक नगर पालिका से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बहु निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में है। बीजेपी से टिकट न मिलने को लेकर दीपा कोविंद ने कहा है कि वो पार्टी का सम्मान करती है। टिकट न मिलने के बाद वो अपने समर्थकों के कहने पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। निकाय चुनाव में बागियों ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। अब डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी ने संघ का सहारा लिया है। जो नेता नाराज हैं उन्हें संघ के लोग मनाने में जुटे हैं। सेंचुरी में बने कॉलेज और अस्पताल की शिकायतों को डीएम महराजगंज ने नजरअंदाज किया है। 2 नवंबर को डीएफओ को पत्र जो लिखा था अब तक उसका जवाब नहीं दिया है। नौकरशाहों की शय पर विनय श्रीवास्तव ने अरबों का काला साम्राज्य खड़ा कर दिया है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी सांसद और विधायकों द्वारा ली जा रही मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने टिकट न मिलने पर नाराजगी जताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को खूब खरी खोटी सुनाई। टिकट नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए ये भी कहा है कि यहां टिकटों को बेचा जा रहा है। मेरठ में आरोपियों की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज न होने से नाराज पीड़ित एसएसपी कार्यालय पहुंचे। गलती छिपाने के लिए जूते खाने को भी तैयार हो गए एसएसआई। एसएसआई विनोद कुमार ने कहा जूते मार लो लेकिन यहां से चले जाओ। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली। पुलिस ने एक छात्र नेता का पहले तो चालान काटा, इसके बाद सड़क पर उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इतने से भी जब पुलिस का मन नहीं भरा तो उसे लॉकअप में बंद कर दिया। संभल में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी राजेश शंकर राजू के भाई ने वोट देने के लिए लोगों को नोट बांटे। वोटरों को लुभाने के लिए काम किया गया। मुजफ्फरनगर में खेत से अपहरण कर नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया और उसे सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने सीओ से इंसाफ की गुहार लगाई है। बागपत में शराब सेल्समैन की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सेल्समैन का शव मेरठ हाईवे स्थित शराब की दुकान में पड़ा मिला है। परिजनों ने रंजिशन हत्या से इनकार किया है और लूट के विरोध में हुई हत्या की आशंका जताई है। कन्नौज में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में एक महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला ने अस्पताल में इस बात का जिम्मेदार अपने देवर और देवरानी को बताया है। इटावा के एक दिन थाना क्षेत्र के पिलखर में प्लॉट पर कब्जा ना कर पाने के बाद दबंगों ने एक परिवार के 3 लोगों को बुरी तरह पीट दिया जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाहाबाद के दारागंज थाना इलाके में एक घर में घुसकर युवक को गोली मार दी गई। युवक के रिश्तेदारों ने उन पर फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर में मुरलीपुर गांव में पूर्व प्रधान के बेटों पर फायरिंग की गई। 25 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जब ग्रामीणों ने बदमाशों को दौड़ाया तो वो बमबाजी करते हुए फरार हो गए। हालांकि एक बदमाश को पकड़ लिया गया है। सहारनपुर के देवबंद में पिता पुत्र के रिश्तों को कलंकित करते हुए 5 बीघा जमीन के लिए पुत्र ने भाई और पिता को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पिता की हालत गंभीर है जबकि भाई की मौके पर ही मौत हो गई। संत कबीरनगर के खलीलाबाद इलाके में मामूली बात में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बीच सड़क पर ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मौके पर मौजूद थी लेकिन कोई कदम उठाने की जहमत नहीं उठाई। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगी। एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लूटी गई बाइक और हथियार बरामद हुए हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर अमेठी एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने अमेठी कस्बे में स्थित होटल्स और सार्वजनिक स्थलों पर छापेमारी की। पुलिस ने होटल और शराब के ठेकों की तलाशी ली। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकान में लूटपाट कर दी। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग भी की। बदमाशों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिजनौर में इनामी बदमाश आदित्य की घर मुनादी की गई। पुलिस उसके गांव में ढोल के जरिए मुनादी करती नजर आई। आदित्य के ऊपर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ के हसनगंज में एक शादी समारोह में बच्चे की चोरी की करतूत सामने आई। बच्चे ने नोटों और जेवरात से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है।
लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार फ्लाईओवर से नीचे गिरा। आनन फानन में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मथुरा में कोहरे के चलते CNS पब्लिक स्कूल शेरगढ़ के बच्चों से भरी बस ट्रक से टकरा गई। कई बच्चे और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा थाना नोहझील क्षेत्र के अंतर्गत शेरगढ़ मार्ग के ग्राम छिनपराई के पास हुआ। हापुड़ में टायर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कारण क्या था, लेकिन इससे लाखों का नुकसान हुआ है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई, हालांकि घर और इलाकाई लोगों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। इलाहाबाद में बाइक तेज चलाने से टोकने पर युवकों ने हंगामा कर दिया, जिसका युवक ने टोका था उसकी उन्होंने बाइक जला दी। इस आगजनी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गोरखपुर में चलती कार में आग लग गई, ICICI बैंक के मैनेजर की कार में जलकर मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी थी, कार लॉक हो गई जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में अचानक आग लगी, गनीमत रही कि हादसे में कोई भी कार सवार हताहत नहीं हुआ। कार सवार वृंदावन से नोएडा की ओर जा रहे थे। हापुड़ के सिटी कोतवाली इलाके के रेलवे रोड पर बेखौफ चोरों ने एक साड़ी के शोरूम को निशाना बनाया। शोरूम से लाखों रुपए की साड़ी और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जौनपुर नगर कोतवाली पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया है। हापुड़ में कोहरे की वजह से इनोवा कार ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में घना स्मॉग देखने को मिला, विजिबिलिटी काफी कम थी, लोग घर के अंदर रहने पर मजबूर हुए। आगरा के थाना सैया इलाके में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 200 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महाराष्ट्र से गांजे को लाकर आगरा में इसको बेचने की फिराक में थे। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके के पीली कोठी पर एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 युवकों ने पंप पर किसी बात को लेकर सेल्समैन के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोरखपुर में एक महिला अपने बच्चे को नाले में छोड़कर फरार हो गई। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी खबर मिली, तुरंत बच्चे को वहां से हटाया गया। बच्चे के शरीर में कीड़े पड़ गए थे, इलाज उसका अस्पताल में चल रहा है। औरैया के नेशनल हाईवे पर बने ओवर ब्रिज में दरारें आ गई हैं, किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। रायबरेली जिला अस्पताल में एक युवक ने अपनी मां को भर्ती कराया था, लेकिन वहां सिटी स्कैन कराने के लिए युवक को स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद बूढ़ी मां को अपनी गोद पर रखकर ही वो सेंटर तक पहुंचा। बिजनौर के थाना मंडावली के नियामतपुर का शिवा स्टोन क्रशर खुलेआम चल रहा है, जिससे RBM निकाला जा रहा है और बगैर अनुमति के स्टोन क्रशर चलाया जा रहा है। मथुरा में कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों की रफ्तार थम गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग काफी घबराए हुए से सड़क पर निकल रहे हैं। रायबरेली में भी कोहरे जैसी धुंध की चादर छा गई है, जिससे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है, घर से बाहर निकलने से खासा डर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली कोतवाली इलाके में घने कोहरे के चलते NH 58 पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सभी को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। शाहजहांपुर में रिलायंस थर्मल पावर के आर पेपर मिल समेत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से हो रहे प्रदूषण से भीषण धुंध छाई हुई है। लोगों का पूरा दिन घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वाराणसी में साहित्यकार मनु शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए। पियरी स्थित आवास में अंतिम यात्रा निकाली गई, जो मणिकर्णिका घाट जाकर संपन्न हुई। अंतिम यात्रा में सभी दल के नेता और शहर के जाने माने लोग मौजूद रहे। इलाहाबाद में विदेशी परिंदों की कमी देखने को मिल रही है। संगम के तट पर विदेशी परिंदे नहीं पहुंच रहे हैं। विदेशी मेहमानों के रूठ जाने से सैलानी भी मायूस हैं।
पौड़ी जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। जिला अस्पताल में टेली रेडियोलॉजी सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। सर्किट हाउस पौड़ी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने दून स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा, शहीदों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पहल कर रही है और जल्द से जल्द आदेश जारी कर दिए जाएंगे। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, जिसको जड़ से मिटाना है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में औद्योगिक निवेश करने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगभग 1800 करोड़ के निवेश उत्तराखंड में आने का दावा सरकार कर रही है। प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में निवेश करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है और जल्द ही अभी और भी रास्ते खुलते चले जाएंगे। हिमाचल में प्रचार करके लौटे उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। उनके अनुसार हिमाचल में जिस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस ने फैलाया था, वहां की जनता त्रस्त है। टिहरी में स्थापना दिवस के नाम पर खानापूर्ति की गई। बीजेपी के 5 विधायकों में से कोई भी विधायक यहां पर मौजूद नहीं था। प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे भी कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ही केवल यहां पर मौजूद होकर सबका नेतृत्व कर रहे थे। राज्य स्थापना दिवस को लेकर नैनीताल में स्कूली बच्चों के लिए मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल विधायक संजीव आर्या और नगर पालिका के चेयरमैन श्याम नारायण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नगर पालिका से नगर निगम बनाए जाने पर जिन निकायों पर फैसला हुआ, उन पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। जिन नगर पालिकाओं को सरकार ने नगर निगम बनाने का फैसला किया है, उनके बोर्ड को भंग किए जाने का फैसला लिया जा सकता है। हल्द्वानी में अवैध निर्माण कर रहे अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी अतिक्रमणकारियों पर ठोस कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। नगर आयुक्त हरवीर सिंह का कहना है कि अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। दून के शिशु सदन में गोद से गिरकर एक मासूम की मौत हो गई। इसके साथ ही बालिका निकेतन में भी कई खामियां सामने आई हैं। शिकायतों के बाद मंत्री ने शिशु सदन का निरीक्षण किया और जहां खामियां नजर आने पर अधिकारियों को कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। चंपावत जिले के लोहाघाट में 6 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। पार्टी ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र से पुलिस को अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी मिली है। देहरादून के वीआईपी ईसी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर घटतौली का मामला सामने आया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पेट्रोल पंप पर खूब हंगामा किया। जिला पूर्ति अधिकारी ने पंप पर पहुंचकर पेट्रोल के सैंपल लेने के साथ ही शिकायतकर्ता के बयान भी दर्ज कराए। हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस समारोह में राज्य आंदोलनकारियों के अपमान का मामला सामने आया। यहां मंच पर राज्य आंदोलनकारियों को बैठने की जगह तक नहीं दी गई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ही मंच पर मौजूद रहे। गुस्साए राज्य आंदोलनकारियों ने इसके बाद जमकर हंगामा काटा। रुड़की में सरकार की ओर से गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने से किसान उदास हैं। किसानों की मजबूरी है कि उन्हें अपना गन्ना बेचना है, क्योंकि खेत खाली करने हैं। ऐसे में वो औने पौने दाम में ही इन्हें बेच रहे हैं। विकासनगर के चक्राता में लोग गुलदार के आतंक से परेशान हैं। ग्रामीणों को खेतों के आसपास और जंगल के किनारे मादा गुलदार और उसके 2 शावकों की गतिविधियां दिखाई दी हैं। विकासनगर में ठेके का विरोध कर रहे व्यापारियों को राहत मिली है। व्यापारियों के मुताबिक कोर्ट ने देहरादून के जिलाधिकारी को 4 हफ्ते के अंदर ठेके शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। रुड़की के पुहाना में संदिग्ध हालात में युवती की मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और जब वो छुट्टी के बाद कंपनी से घर पहुंचे तो उनकी बेटी ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। हरिद्वार में जिलाधिकारी दीपक रावत ने पॉलिथीन के उपयोग और बाजार में अतिक्रमण की समस्या को लेकर व्यापारियों और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की और निदान को लेकर व्यापारियों से भी चर्चा की गई। श्रीनगर के ऐतिहासिक मेले बैकुंठ चतुर्दशी का सांस्कृतिक संध्या में मिस श्रीनगर कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर और दूर दराज के इलाकों से यहां पर कंटेस्टेंट पहुंचे थे। सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर जिंदा है का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। ट्रेलर रिलीज के 24 घंटे के अंदर ही इसको 29 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। ट्रेलर को फेसबुक, यूट्यूब दोनों पर काफी देखा जा रहा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा जल्द ही कलर्स टीवी के शो बिग बॉस में अपनी फिल्म फिरंगी का प्रमोशन करते नजर आ सकते हैं। कपिल बिग बॉस में अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए जाएंगे। सलमान खान के साथ शूटिंग करेंगे लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है कि वो घर के अंदर जाएंगे या फिर नहीं। कॉपीराइट उल्लंघन के चलते कानूनी पचड़ों में फंसी साउथ की ग्लैमरस स्टार राय लक्ष्मी की फिल्म जूली 2 की रिलीज का रास्ता अब साफ हो गया है। फिल्म अब 24 नवंबर को रिलीज होगी। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। सारा अपनी फिल्म केदारनाथ के पहले शेड्यूल की शूटिंग कर मुंबई आ चुकी है और इन दिनों खूब वर्कआउट कर रही है। सारा को जिम में स्पॉट किया गया। बिग बॉस के घर में पुनीश और बंदगी के प्रेमी कहानी खूब जोरों पर है। बिग बॉस के घर में कुछ भी होता रहे लेकिन इन दोनों लवर्स को किसी से कोई मतलब नहीं है। देश की राजधानी में स्मॉग का कहर जारी है जिस पर लोगों का दम घुट रहा है। ऐसे में अभिनेता अर्जुन कपूर ने दिल्ली वासियों को इस घने कोहरे में सुरक्षित रहने के लिए कहा है। थिएटर और टीवी एक्ट्रेस सुनीता राजवार ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लीगल नोटिस भेज दिया है। सुनीता ने नवाज पर उनकी किताब एन ऑर्डिनरी लाइफ में उनका नाम घसीटने के लिए ये नोटिस भेजा है। नोटिस में सुनीता ने नवाज से 24 घंटे के अंदर माफी मांग की है। साथ ही 2 करोड़ का हर्जाना भी मांगा गया है। ऐश्वर्या राय ने फैसला किया है कि वो 1 साल तक 1000 बच्चों के खाने पीने का खर्च उठाएंगी। ऐसा उन्होंने अपने 44वें जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए किया है। स्वरा भास्कर ने खुलासा किया है कि एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों में वो भी यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुके। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरे सामने शर्त रखी जाती थी कि अगर फिल्म में काम चाहिए तो खुद को पेश करना होगा। लीजा ने अपने 5 महीने के बेटे के साथ पहला फोटोशूट मुंबई में कराया है। किसी भी तस्वीर में उनके बेटे का चेहरा हालांकि नजर नहीं आ रहा है, फिर भी दोनों की तस्वीर बेहद प्यारी लग रही है।